भिवानी का जो चाहे बीजेपी से हो कांग्रेस से हो, क्या बीजेपी के अधिक पदाधिकारी राजपूत नहीं है? क्या एक राजपूत ने इस्तीफा दिया क्या? क्या उन्हें जो आदमी मेरे समाज का नहीं हो, हमारा अकेला के भाई हम उसको आगे से एक मीटिंग करो, जो राजपूत पदाधिकारी बने उनके धक्के मारो कहा हो तो। अच्छा, जब वो इस्तीफा नहीं दे सकते समाज के लिए तो समाज पे वोट पड़े, महिला भी बढ़ चढ़ के पार्टी के अंदर भागीदारी देखा गया। वो महिलाएं कभी मंसूरी भी घूमने के लिए या कभी झंडे उठाने के लिए और बीजेपी धक्के खा है, अब तो उनका पर्सनल समाज का काम है। क्या एक ने भी इस्तीफा दिया? कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे किसी भी दल से जुट रहा हो, ना तो एक आदमी इस्तीफा दिया। मतलब वो बाहर से तो कह रहे हम समाज के साथ से, अंदर बीजेपी के साथ है। समाज में तीन बार विधायक घनश्याम को बनाया गया, विधायक घनश्याम शराब ने एक बार भी कोई बयान दिया है? अब तक कोई बयान दिया है क्या कि गलत महाराज कुछ समाज के साथ? आप पूछो जाके, कभी आप लोग जाके पूछो, हम तो जाके पूछेंगे। लाला जी आप समाज ने आपको तीन बार बनाया है, आप समाज के साथ हो तो समाज आपके साथ है, नहीं 2024 में आपका भी इलाज कराएंगे। अच्छा, 100% इलाज कराएंगे 2024 में, अगर हमारे साथ है तो हम उसके साथ है, कांग्रेस हो तो बीजेपी हो। नेता जो बड़े अंधे है उनमें समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक पद चाहिए और फोटो खिंचवाने के लिए चाहिए, उनका समाज से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ इलेक्शन में वोट मांगने आते हैं कि समाज वोट दिया, समाज में 2 MLA बना के समाज के लोग जो लेता है वो समाज को गुमराह करने का काम करे, वो समाज को बेचते हैं, वो सारे समाज को बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? समाज को कहते हैं वोट देते हैं। तीन बार विधायक बनाया गंजाम साहब, 2 बार विशंबर वाल्मीकि बनाया, पेवर राजपूत समाज ने बना रखा, क्या आज तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी इस मामले में? क्या वे विधानसभा में हमारी मांग उठाएंगे? चलो जी, हमारे पास समाज के साथ ना तो कोई कांग्रेस का आदमी आगे खड़ा हुआ है, ना बीजेपी का आदमी रखा है, किसी पार्टी का कोई आदमी नहीं, सिर्फ समाज है। यानी समाज आपका हर पार्टी साथ में खड़ा दिखता है, लेकिन आज पार्टी कांग्रेस से भी जुड़ा है, बीजेपी से भी जुड़ा है। क्या एक भी पदाधिकारी ने किसी ने इस्तीफा दिया हो भिवानी का, या कोई ने भी आगे खंडन किया हो तो आप मेरे को बताओ, कहीं कोई कटिंग हो तो दे दो। वो चाहते हैं कि समाज में MLA बना दे, किस में इसमें MLA बना दे, सही है और गलत है। अच्छा, और खट्टर का बेरा पड़ा, मैंने जी पड़ियाणी में इसने जो गलती करता था राजपूत उसको पीटते थे, पड़ियाणी पुत्र का मिला था। अच्छा, ये हुआ कष्ट धरे बैठा जाए खट्टर आज तक। अच्छा, वो कष्ट धरे बैठा है। हाँ, ये राजपूत इसने पिट्टा करते पड़ियाणी में। तो आज का प्रोग्राम महाराणा पन्ना राजपूत अखाड़ा के अंदर, तो बात करने का काम करता हूँ कि आज की जो मीटिंग है, आज की जो सभा है, उसका उद्देश्य क्या रहा? नमस्ते, आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य था? आज की मीटिंग का हमारा उद्देश्य था महाराजा मीर बोझ के ऊपर जो गुज्जर समाज अपना उनको बता रहा है, वो गुज्जर समाज के न होकर के एक क्षत्रिय सम्राट थे। अगर वो मतलब वहाँ पर जो शब्द लिखा गया है गुज्जर जो समाज है, उन्होंने जो गुज्जर सम्राट लिखा गया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी आपको राजपूत समाज का समर्थन मिल रहा है या फिर सिर्फ समाजवाद का? नहीं नहीं, किसी पार्टी से कोई समर्थन नहीं मिला। क्या आज करते हैं समाज के नेताओं से? समाज के नेताओं से तो कुछ उम्मीद नहीं हो रही, तभी तो हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बोलो जी, समाज के लोगों से, नेताओं से उम्मीद नहीं है? मैं समाज के अंदर आवाज़ आ रही है कि समाज के जो हमारे नेता हैं उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, तो किस तरह से उम्मीद जगाई जाएगी नेताओं से, किस तरह से बात? ये आज जो मीटिंग महाराणा पन्ना में हुई है, ये सम्राट मीर बोझ के नाम से हुई है, जो कि ये सभी जाति का होता था, इस पर पहले छतरी नहीं लगता था, लेकिन कुछ गुज्जर समाज ने इस पर उसके आगे गुज्जर सम्राट मीर बोझ लिख दिया, इसीलिए वो बिल्कुल गलत है, इसलिए वो हम राजपूत समाज इसकी बड़ी निंदा करते हैं और ये कहते हैं सभी जितने राजे महाराजा हैं सभी जातियों के होते हैं, इनके आगे जातियां होती ही नहीं थी। तो जिस प्रकार से आप इस शहर की बात करो, हल्के की बात करो, आप MLA बनाओ, MP बनाओ, नेता बनाते हो, आप सब कुछ बनाते हो, आपका समाज आगे आपकी समाज की दिखती है, लेकिन क्या कारोबार मानते हैं आज वो नेता आपके साथ में नहीं दिख रहे? क्षत्रिय समाज को ये बहुत धीमे से लेते हैं, सरकार क्या करती है कि ये सोचते भी राजपूत है, इन्होंने जातिवाद को बांट दिया और जातिवाद को बांटने के बाद इसको अकेला छोड़ दिया। सरकार राजपूत की कहीं भी सुनाई नहीं करती, न कोई ऊपर जाता है और न कहीं
विधानसभा में सीट मिलती है। तो आप गिनती में हो भी वैसे ही आपकी कोई गिनती भी नहीं होगी, या तो सुनाई क्यों नहीं हो पाती लोकतंत्र के अंदर? विषय आज का विषय, विषय पर बात करूं पहले, दो मिनट विषय पर बात करूं। अजय सिंह, अजय भाई, आज का जो विषय था वो महीर भोज के मामले में, जो कैथल के अंदर कुछ अपना ये जो कैथल के अंदर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था, उस पर जो लाठी चार्ज हुई, पूरे प्रदर्शन देखा। लेकिन जो आप यहाँ पे पुतले फूंक रहे हैं, मीटिंग हो रही, इससे भी कोई सरकार के ऊपर बदल पड़ रहा है, ये सिर्फ आप पुतले फूंकने के सीमित है, मैं ये पूछ रहा हूँ? ऐसा है, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर व्यक्ति का पुतले फूंकने से एक प्रदर्शन करने वाली बात है। लेकिन जहां तक पुतले फूंकने की बात है, वो एक अंदर की भावना की बात होती है। अब भाई हम इस चीज का विरोध करते हैं, और पुतले फूंकने का अर्थ ये तो है नहीं भाई किसी जाति विशेष की बात है, ये तो एक किस्म से मैं कहूं कि ये जो जैसे महीर भोज के मामले में जो पुतले फूके थे, ये वास्तव में देखा जाए तो ये जो महान राजा होते थे, जो महान योद्धा होते थे, वो किसी एक जाति विशेष के नहीं होते थे। उसके लिए 36 बिरादरी के माननीय होते थे, और उसके पीछे गुर्जर शब्द लगाना या राजपूत शब्द लगाना उसका कोई अर्थ नहीं है। वो महीर भोज एक ऐसे बड़े महाराज थे जो कि जिसका आप कश्मीर से लेकर के बंगाल से लेकर के और ये पूरा इलाका उनके अंडर में आता था, और लगभग आज का जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसका आधा हिस्सा मैं कहता हूँ उनके राज्य में आता था। तो उसके अंदर एक गुर्जर रियासत भी होती थी, जो कि गुर्जर समाज सोचता है कि उस रियासत के ही राजा थे, न कि उस रियासत के, वो पूरे इलाके के और पूरे साम्राज्य के राजा थे। तो आपकी किसी नेता से बात भी हुई है? आपने किसी नेता को ज्ञापन भी दिया है, या किस प्रकार की बात है, या फिर अभी तक समाज की मीटिंग चल रही? नेता भाई, जैसे आप माई गड़ा रखे ना, इसलिए माई गड़ाएंगे, ये सही है गलत है दो बात करेंगे। नेता जी, माई को मैं गड़ाऊंगा, माई को मेरा काम है, नेता गड़ाना है, नेता गए, हाँ नेता गए, ये सही है और गलत है। अच्छा, और खट्टर का बेरा पड़ा, मैंने जी पणियाणी में इसने जो गलती करता था राजपूत उसको पीटते थे, पणियाणी पुत्र का मिला था। अच्छा, ये हुआ कष्ट धरे बैठा जाए खट्टर आज तक। अच्छा, वो कष्ट धरे बैठा है, हाँ ये राजपूत इसने पिटा करते पणियाणी में, क्यों आपको बाप को भी रोटी नहीं देता है वो, और वह कशिश के दिमाग में हमने तो बेराई पट्टे आगे खट्टर क्यों पिट रहे मारते तो गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, गंदा आदमी था, हम चौड़ा में गवा था, और पुतले फूकांगे इनके सब के, और सारे गांव मारे 32 और 24 गांव तवरा के मारे। अच्छा, मेरे पास में बोला हुआ है हम उन्हें, तो नेता बड़ा हो रहा है वो, थम बनाओ हो वो नेता को दिखाना है बात के लिए। हम तो ये तो पूछेंगे ना, हां और ना, दो जवाब लेंगे, तीसरा जवाब नहीं भाई। अच्छा, यानी अब की बार की जो लड़ाई होगी वो आर पार की होगी? आर पार की होगी, आर पार की, हां आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी की बार है, बिल्कुल लड़ी जाएगी जी, अपने सम्मान के लिए। हमारे ताज को ठोकर मारी है आज इन्होंने, महाराज जी हैं उनके सामने गुज्जर लिखना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। मीर भोज सर सभी समाज का एक महाराज थे, वो किसी अकेले के नहीं थे। तो जी, अच्छी बात है, समाज की लड़ाई देखी जा रही है, और आप लाल लग रहे, ये बात है, हर जगह लड़ाई लगती है युवाओं की है, क्या कहेंगे आज फिर से पंचायत? पंचायत देखती रहेंगे भाई, बहुत बड़ा घमासान होगा भाई, अगर सरकार ने गलत करती रही राजपूता के लिए, तो आगे जाकर बहुत गलत नतीजा होगा बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए क्या कहेंगे भाई साहब, कल बताया था हमने तो, गांव गांव पाना पाना ढाड़े ढाड़े गिरे गए, वो चिंगारी आग बन चुकी, बिल्कुल आपने देखी लग रहा है, चिंगारी आग बन चुकी। अच्छा, सुबह आसाम सिंह की अगवाई आने भी है, नमस्ते, ये सवाल उड़े खुले छुपा आड़े ले लूँ, क्या कहेंगे समाज, सांसद है एक अहम रोल है, क्या कहेंगे समाज की मांग है कि जो नेता ले जा रहे हो नेता यहाँ पे आओ भाई हमारे साथ आओ। समाज की मांग है
देखो जी, इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो पिक्चर शब्द लगाया है उसको हटा के सम्राट महीर मोज भी लगाया जा सकता था, जिससे दोनों समाजों का भाईचारा रहे। ये चीज़ें एक समझदारी की बातें होती हैं, तो समझ से काम लेना चाहिए। इतने बड़े बड़े दायित्वों पर बैठे हैं हमारे विधायक हैं, तो इसको छोटा पद नहीं होता है। विधायक का बड़ा बहुत बड़ा पद होता है। इन चीज कहीं जाने से पहले उन चीज़ों को देखना चाहिए कि भाई क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। भाई MLA साहब बचाओ तो क्या कहोगे, समाज में वास्तव में हो गया फैसला सुनाओ हमारा प्रति ये बात नहीं होगा, इस तरह होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आप क्या हो, क्या कहेंगे, अब नेता भी है, MC पार्टी सब कुछ है, तो कितने लोग हैं। देखो सुभाष भाई साहब हमारे भाई हैं, रणवीर भाई साहब बड़े भाई हैं, जो यहाँ पर ये जो सारे इकट्ठे हुए हैं ना, एक बहुत बड़ा रोष है। रोष किस चीज़ का है कि आप एक समाज प्रति के विशेष नफरत क्यों फैला रहे हो, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो। आपको एक पॉलिटिक्स करनी है तो आप सब जातियों को ले, आप जाति सूचक शब्द लगा के चौराहे पे नाम लिखेंगे, ये तो बहुत गलत है। हम तो ये बोलते हैं इसको जो नाम लिखने से लिखवाने से इसको किसको फायदा होगा और इसे किसका क्या मकसद है, तो समझा सकते हैं। देखिए ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, एक गुज्जर समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक तरीका है। अच्छा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो गुज्जर समाज को अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा है, बाकी समाज को इग्नोर किया जा रहा है। गहरी बात है, हमने पता लगाया खट्टर को बड़ियाड़ी में पीटते थे राजपूत लोग, ये छोटा है जनाब, कबाब की रोटी भी नहीं देता था। उसका हुआ खट्टर का आज तक रंजिश दिमाग में है राजपूतों की, वह रंजिश है। हाँ जी, तो यह रंजिश है। देखो मेन क्या है जो हम कहना चाह रहे हैं कि आप किसी जाति विशेष के साथ मत रहो। आप किसी भी पार्टी के हो सकते हो, चीफ मिनिस्टर हो, मंत्री हो, तो आप ऐसा काम मत करो जिससे दूसरा समाज नाराज हो जाए। आप सम्राट मिहिर बोध जी हैं, वो तो सबके हैं, हम ये थोड़े बोल रहे हैं हमारे हैं। आप उस पर लिखिए सम्राट मिहिर बोध चौक, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप किसी कम्युनिटी को चिढ़ाने के लिए ये बोले कि गुर्जर वीर, तो वो एक गलत चीज़ है। और एक इतिहास क्लियर कट है कि राजा हर्षवर्धन के बाद पूरा देश में तीन तरह का शासन हो गया, साउथ में चालुक्य का हो गया, इधर गुर्जरा प्रतिहारा जिसमें मालवा सौराष्ट्र गुजरात का एरिया है, और अपना पल्लव वंश हो गया। तो इसके कैटेगरी को आप एक पर्टिकुलर एरिया को अगर आप वैसे एंगल दे रहे हो कि भैया गुजरा और उसने आपने उसको जाति से कन्वर्ट करके बना दिया, यानी आपने क्षेत्र विशेष को जाति विशेष में बदल दिया, हमारा रोष किस चीज पे, इस चीज पे है। ये रोष कामयाब कितना हो पाएगा, कितना समाज इकट्ठा हो पाएगा, समाज के बड़ी एकता कितनी दिखा पाएगा। हमारा राजपूत समाज पूरी एकता दिखाने लग रहा है, हमने रणनीति बनाई, हमारे MLA MP जितने भी विधानसभा हमारी मांग उठाएंगे, नहीं उठाएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे, विरोध हर क्षेत्र में। चलो जी, अब MLA साहब से भूखे पेट बचन करो आगे कलवा बात तो समाज की है। नमस्कार, तो आज का क्या प्रोग्राम था, क्या बताइए आज क्या एजेंडा पास हुआ। जैसे कि आप सबको पता है अजय भाई, कैथल में जो प्रकरण हुआ मीर बोध को लेकर के, उसमें हमने दो दिन पहले पुतले का जो है दहन किया, उसके बाद राजपूत समाज की एक जिला स्तर की बैठक बुलाई। आज जो है समाज के सभी युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर जो है वो तय किया है, एक तो ये है कि कंवरपाल गुर्जर का जो सरकार है वो इस्तीफा ले, अशोक गुर्जर को संगठन से जिला अध्यक्ष हटाया जाए, एक जो डांड चौक पे जो चौक बना है राजा मीर बोध चौक, उसको पूर्ण प्रभाव से गुजर शब्द को हटवाया जाए। और इसी कड़ी में समाज ने यह तय किया है कि आने वाले समय में जिस तरीके से और जातियों के लोग जो है महापुरुषों को अपना जाति विशेष नाम दे करके आगे बढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने राजपूत समाज कल्याण मंच एक मंच बनाया है, जिसके माध्यम से गाँव से लेकर शहर के सब युवाओं को एक एक करके जोड़ा जाएगा। और 18 अक्टूबर को राजा मीर बोध की जयंती आती है, उस दिन महाराणा पाना राजपूत धर्मशाला में प्रसाद वितरित किया जाएगा। ठीक है, अब आगे तो आगे हुआ है। तो ये प्रोग्राम था, ये राजपूत समाज की मीटिंग थी, ये सभा थी, और अब फैसला ये लिया गया कि अब किसी को नहीं बचने का काम करेंगे। JM सिंह उसे आदि नायक पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।